अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई सुभानअल्लाह राबी किचन। मैं हूँ राबिया और आज बकरा ईद स्पेशल में मैं आपके लिए एक मटन की बहुत ही आसान से और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको अपने स्टाइल में मटन दो प्याज़ा बनाना सिखाऊंगी, जिसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगी और बहुत ही सीधी सी रेसिपी है। इसको हम फटाफट बनाकर तैयार करेंगे प्रेशर कुकर में और बहुत ही लजीज बनेगा और दिखने में जो उसका लुक है वो भी बहुत अमेजिंग है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीडियम फ्लेम पर कुकर रख देंगे और इसके अंदर डाल देंगे हाफ कप तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अब इस तेल को हम गरम कर लेंगे। तेल जैसे गरम हो जाएगा हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा, 5 लौंग और 2 तेज़पत्ता, 4 हरी इलायची, 5 काली मिर्च, 1 बड़ी काली इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। हम इसको फ्राई करने के लिए कुकर के अंदर डाल देंगे और जैसे फ्राई हो जाएंगे इसके अंदर हम डाल देंगे 3 बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया है। तो प्याज को भी हम कुकर के अंदर डाल देंगे। प्याज को डालने के बाद जो आपकी गैस की फ्लेम होगी आप उसको हाई कर देंगे और इन प्याज को हम फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो प्याज का कलर है वो चेंज हो जाए। तो 4 मिनट हो गई है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटन। मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन लिया है। आप यहाँ पर बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने मिक्स लिया है जो हमारा गोश्त है, इसमें चाबी है, बोंग है और जो रूखा गोश्त होता है वो भी है। तो आप अपनी पसंद से अपने जो गोश्त का हिस्सा है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम सारा गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस मटन को, प्याज को, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और साथ ही डाल देंगे 1.5 टीस्पून नमक। सॉरी, जो मेरा कैमरा था वो गलती से ऑफ हो गया था। तो आप यहाँ पर नमक ज़रूर ऐड करें और इसको 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लें। प्लीज़ आप नमक स्टार्टिंग में ही डालें जहाँ पर मैंने डाला है। तो 3 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो टमाटर को कुकर के अंदर डाल देंगे और अब डालेंगे 12 से 13 हरी मिर्च, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। मैं हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 2 टेबलस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे रंग बहुत ही अच्छा आएगा। और 4 टेबलस्पून डाल देंगे दही, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे 2 नींबू के टुकड़े और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट रेसिपी नहीं है, बहुत ही आसान सी। अपने मसाले ऐड करने के बाद इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम मटन को और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर डाल देंगे 1/3 कप पानी, यानी कि 4 टेबलस्पून के करीब पानी डाल देंगे। पानी कम ही डाला जाएगा क्योंकि कुकर में मटन जल्दी टेंडर हो जाएगा। तो कुकर को अच्छे से कवर कर देंगे और इस मटन को पकाने के लिए जो हमारी पहली सीटी होगी वो हाई फ्लेम पर लगेगी। और जैसे ही पहली सीटी लग जाए गैस की फ्लेम को लो कर दें और लो फ्लेम पर 2 सीटी लगा लें, या फिर तब तक जब तक आपका मटन अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता आप बीच में चेक भी कर सकते हैं। तो 3 सीटी के बाद हम अपने कुकर को ओपन करके देखेंगे। ये देखिए, मैं आपको चेक कराऊंगी। अभी भी जो पानी है इसके अंदर ऐड है, लेकिन हम इसको बाद में खुश्क करेंगे, यानी कि इसको अच्छे से भुनेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक बॉटी को तोड़कर दिखा दूंगी कि ये अच्छे से टेंडर हुई है नहीं। ये देखिए, जो हमारी बोटी है ये अच्छे से टेंडर, अच्छे से गल चुकी है। और जब बाकी हम इसको भूनेंगे ये और गल जाएगा। तो बस अब हाई फ्लेम पर हम इस सबको अच्छे से भून लेंगे। जो भी इसके अंदर पानी ऐड है इसको हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो उसको बीच में चलाते रहें। देखिए, जो हमारा मटन है ये अच्छे से भुन गया है और जो मसाला है आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग हो गया, यानी कि जो उसका तेल है वो ऊपर आ गया है। तो ये जो मटन अभी मसाला है हमारा तैयार है, इसको कवर करके मिक्स साइड रख देंगे और इसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि तड़के की तैयारी करेंगे। तो एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 1/3 कप तेल। गैस की फ्लेम को आप मीडियम पर ही रखें और अब डाल देंगे 5 से 6 हम प्याज डालेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर बेबी ऑनियन ली है, ये छोटे साइज़ की प्याज होती है, इसको डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक। अगर आपके पास छोटी प्याज नहीं है तो आप बड़ी प्याज के 2-3 टुकड़े कर लें रफली, ठीक है। तो हमारे 3 मिनट हो गए, मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। इसके अंदर डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून चॉप्ड अदरक और 5 से 6 डाल देंगे हरी मिर्च
और साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया और 5 से 6 डाल देंगे सूखी हुई लाल मिर्च। इन सबको कुछ सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे हम करी पत्ता। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, लेकिन बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें। इन सबको अच्छे से फ्राई करने के बाद ये हमारा जो तड़का है अच्छे से तैयार हो गया। इन चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब इस तड़के को हम अपने मटन मसाले में ऐड कर देंगे। तो जैसे हम इसको ऐड कर देंगे ये हमारा तैयार हो जाएगा मटन 2 प्याज़ा। तो इन सबको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमारा तड़का है, हमारा मटन है, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह जब आप ये सब चीज़ें डालेंगे आपके घर में जो स्मेल आएगी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से हमारा मटन 2 प्याज़े बनकर तैयार है। हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है, यानी कि जो इसका टेक्स्चर है, जो इसका मसाला है, बिल्कुल परफेक्ट है। ना तो ये ज़्यादा थिन है, ना ही ज़्यादा थिक है। बाकी तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ढीला रखना है इसकी जो ग्रेवी है वो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा पसंद है तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है। तो बस आप इसको इंजॉय कीजिए चपाती के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, और ये जो बीच में प्याज आएगी जिसके भी हिस्से में आएगी वो इसको इंजॉय कर सकता है अपनी रोटी चपाती नान के साथ। इसको गार्निश कर लेंगे हरे धनिए से और नींबू के कुछ स्लाइस या फिर जैसे भी आप करना चाहते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने शेयर की है मटन की, आप इसको ईजिली और बहुत ही क्विकली बना सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। रेसिपी अगर ट्राई करते हैं पसंद आती है तो फीडबैक भी मुझे ज़रूर देना। तो इस बकरा ईद को मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ मैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।